सा ड्रेस पहनो, टी-शर्ट नहीं, लहंगा। सोमा, ए सोमा, सोमा, अरे क्या बात है, जोर से भौंक क्यों रही है? अरे सोनिया की शादी में जाना है, पर जींस पहनो या लहंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ही कुछ सिलेक्ट कर देना। अब देख, शादी में जींस शर्ट कौन पहनता है, तू लहंगा ही पहन लेना। हाँ पहन लेती, पर ये वाला सेम लहंगा पहन के मैं सोनिया के एक्स बॉयफ्रेंड के भी शादी में गई थी, और दूसरा लहंगा भी नहीं है मेरे पास। फिर तो तू शर्ट ही पहन ले। पर लहंगा, अरे मैं ऑफिस में नहीं, शादी में जाऊंगी। अरे पागल, ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट। हाँ ट्विस्ट देखना है, और आपको भी देखना है ना, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर, और मैं तो चैनल सब्सक्राइब कर। अब जल्दी से देखना। भाई अगर वही बोरिंग टाइप लहंगा और ब्लाउज पहन पहन के बोर हो चुके हो तो लहंगे के साथ पहनो व्हाइट शर्ट और साथ में कुछ ज्वेलरीज भी कैरी कर लो, भाई भीड़ में ना बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखोगे इससे। देखो पहले तो हमें कोई भी नॉर्मल सा पुराना वाला चूड़ी लेना है और लेना है लटकन। अब लटकन को हमें चूड़ी के साथ लटका देना है, मतलब सुई की मदद से सिलाई कर देना है। भाई देखो एक तो ऐसे ही बन गया, अब दूसरा वाला भी वैसे ही बना लो। अब नॉर्मल चूड़ी के साथ जब इन दोनों को पहनोगे ना तो भाई बहुत ही महंगा लुक आएगा। तेरा दुपट्टा बार बार गिर रहा था और वो साइड वाला बंदा तुझे गंदे नजर से देख रहा था। हाँ, और इस साइड वाले बंदे को भी मैंने दुपट्टे से मारा। तो डांस करने के टाइम दुपट्टे को ऐसे खुला रखना नहीं चाहिए। फिर देख ले। देखो भाई इस प्रॉब्लम के लिए ना हमें दुपट्टे को लेफ्ट शोल्डर में रखना है और सेफ्टी पिन की मदद से दुपट्टे को यहाँ पे सिक्योर कर देना है। यहाँ पे सेट होने के बाद दुपट्टे का नीचे वाला पार्ट लेना है और दुपट्टे के कॉर्नर को हमें ऐसे राउंड करके मोड़ना है और फिर सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लेना है। अब ये कुछ स्लीव जैसा बन जाएगा तो इसे हाथों में पहन लेना है। अब राइट हैंड में ऐसे बांधने के बाद लेफ्ट हैंड के पास दुपट्टे का हमें ऐसे प्लीट्स बनाना है और फिर सेफ्टी पिन से इन सारे प्लीट्स को सिक्योर कर देना है। अब भाई चाहे कितना भी डांस करो, करते करते मर जाओ, पर दुपट्टा इधर का उधर नहीं होगा। अरे क्या हुआ? मेरा नेकलेस टूट गया। तो दूसरा कोई भी पहन लेना। और एक भी नहीं, सोचा था शादी में उस चुड़ैल सीमा से सुंदर दिखूंगी, पर मेरी किस्मत फूटी गई लूटी। अरे तो सीमा से सुंदर ही दिखेगी, पर कैसे? तेरा जुगाड़ हो गया नेकलेस का। भाई चोकर के लिए ना अच्छा वाला कोई भी इस टाइप का लेस ले लो और लो कोई भी टूटा हुआ इयररिंग। अब लेस के एकदम मिडिल पॉइंट पे हॉट ग्लू की मदद से इयररिंग के टुकड़े को चिपका देना है। लो हो गया भाई, इससे अच्छा खासा काम चल जाएगा।
आज का संगीत तो मुझे बहुत दिन तक याद रहेगा। हाँ यार, और राजू और सीमा एक साथ बहुत अच्छा भी लगता है। और सुन, शादी में तो क्या पहनने वाली है? मैं तो ये ड्रेस पहनूंगी यार, इसके साथ मैचिंग करके इयररिंग। यार मैं क्या पहन के जाऊँ, ड्रेस तो कुछ ना कुछ करके मैनेज हो जाएगा, पर मैचिंग करके इयररिंग तो मिलेगा ही नहीं, और मम्मी मुझे अभी खरीद के भी नहीं देगी। ए मधु, बाजार से डोरी लाना जरा। डोरी? हाँ उससे ही काम बन जाएगा। क्या? अरे कुछ नहीं, तू पहले ला तो सही। भाई नॉर्मल सी हुप इयररिंग को कुछ स्पेशल बनाने के लिए कुछ थ्रेड ले लो। हमने यहाँ पे 4 कलर लिया है। अब धागे को इयररिंग के अंदर ऐसे डाल के एक नॉट क्रिएट करना है। अब दूसरा एक और नॉट बांध लो। ऐसे ही धागे की मदद से पूरे बैंगल्स में हमें नॉट क्रिएट करना है। अब जब नॉट से पूरा इयररिंग कवर हो जाए तब थ्रेड को काट लो। लो हमारा DIY थ्रेड इयररिंग बन गया। क्यों, यूनिक है ना? देख कैसी लग रही हूँ मैं। No. तो ऊपर क्यों इतना बन ढंग के आई है और नीचे इतना सोना सोना क्यों लग रहा है? नीचे मतलब अबे पैर पे। हाँ पैर पे भी थोड़ा मेकअप थोप देती। अरे उसे छोड़, तूने पैर पे कुछ पहना क्यों नहीं? अरे पैर पे पहनने के लिए मेरे पास काले धागे के अलावा कुछ नहीं है। Oh yeah! ये फॉल्सनेस मुझे दे दे। पहले तो हमें कुछ फॉल्स नेल्स चाहिए। अब नेल्स को हमें गोल्डन कलर का बनाना है, जिसके लिए हम इसमें गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगा रहे हैं। ऐसे ही 6 नेल्स को हमें गोल्डन कलर से पेंट करना है। अब सारे नेल्स में हमें छोटा सा होल बनाना है, एकदम ऐसे। अब लो ऐसा एक चेन। अब हमें छोटा वाला एक और चेन लेना है और छोटे वाले चेन को बड़े वाले चेन के साथ सिक्योर कर लेना है। सेम तरीके से हमें 5 छोटा छोटा चेन बड़े वाले चेन में फिट कर लेना है। अब पहले जो हमने नेल्स पे होल बनाया था ना, उसमें हमें ऐसे छोटे छोटे रिंग डाल देना है। अब इन नेल्स को लेकर जो 5 छोटा छोटा चेन हमने बनाया है, सारे के साथ एक एक करके सिक्योर कर देना है। देखो 5 नेल्स हमने सेट कर लिया है। अब इसे जब एंकलेट की तरह पहनोगे ना भाई, बहुत बढ़िया दिखेगा। चंडी गली पर लेकर अरे आउट तो बोलो।